إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. अल्लाह वबरकातुहू, मैं हूं कारी अमीर हमजा, आप लोग देख रहे हैं हाफिज़ इस्लामिक यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने सबसे पहले मेरी तिलावत सुनी, इसी तरह हमने आज तिलावत बनानी है। वो आज बनाने के लिए हम आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हैं, तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, कहीं से वीडियो को छोड़ कर ना जाएँ, आपके लिए ही मसला बनता है। और वीडियो जो है ना अच्छे तरीके से देखा करें, क्योंकि फिर आप हमें तंग करते हैं और बार बार ये सवाल करते हैं, तो फिर हम भी 24 घंटे सोच में तो नहीं बैठे हुए कि कब हमारे दोस्त कॉल करेंगे, कब हमें मैसेज करेंगे, आके कहेंगे भाई हमें ये चीज़ नहीं आती, क्योंकि मसरूफ़ होते हैं हम लोग। तो इसी तरह तो हाँ, वो चीज़ ज़रूर पूछें, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो वीडियो को बार बार देख लें, तो ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो और हमें भी कोई ऐसी परेशानी, हाँ फिर भी समझ ना आ रही हो, फिर ऐसी चीज़ जो आपको फिर भी समझ ना आ रही हो, कोई मसला आ रहा हो वीडियो के अंदर, आपके बनाने में भी मसला आ रहा हो, फिर आप हमसे रब्ता करें, फिर जो है ना हम आपकी खिदमत करेंगे, फिर हम आपसे वो जो हेल्प जो आपको चाहिए जो चीज़ हम वो आपको देंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, कहीं से भी वीडियो को ना छोड़ के जाएँ, छोटी सी भी वीडियो छोड़ के जाएंगे ना मसला बनेगा, क्योंकि आपका बनाने का तरीका अलहदा होगा और हमारा बनाने का तरीका अलहदा होगा। मानता हूँ कुछ ऐसे भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे होंगे जो वीडियो बनाना जानते हैं, मगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम छोटी सी भी वो सही हमें अपने तरीके से वो सही कर रहे हैं ना, वो छोटी सी भी अपने तरीके से गलत करेंगे ना, उनकी वीडियो सारी गलत हो जाती है, जिसकी वजह से वो हमें सवाल जवाब यही करते रहते हैं, वीडियो सही नहीं बनी, ये चीज़ सही नहीं हो रही थी, इसको हम कैसे करें। तो यही बात कर रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देख लें, तो आपके लिए कोई ऐसा परेशानी का मामला नहीं होगा और हमारे लिए भी कोई ऐसा मसला पैदा नहीं होगा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले हमें एक चीज़ मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करो, और वीडियो को पूरा देखें। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको वहाँ पर जाके वो ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। जी, हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। हमने सबसे पहले पिक्सेल लैब हमने ओपन करना है, ये मेरे पास ओपन हो चुका है। ये आपको मिलेगा प्ले स्टोर से, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आपके सामने इस तरह का जो है ना इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ पे हमने वो जो लैन जो आपको नज़र आ रही थी ना, एक भाई का सवाल भी था, तो वो सबसे पहले हमने यहाँ पे बनाना है। उसे बनाने के लिए हमने आना है सबसे पहले जो है ना इस गोल निशान पर। यहाँ पर आने के बाद जो है ना फिर शेप्स के ऊपर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर इस तरह का हमारे पास इंटरफेस सामने आएगा। अब मैं यहाँ पे जो काम करता जा रहा हूँ आपने नोट करना है, आपने उसी तरह करना है, समझिए ना। उसके बाद हमने इस लेयर को इस तरह खींच लेना है, इसको भी इस तरह खींचने के बाद अब हमने इसको इस तरह छोटा कर लेना, समझिए ना। इसके अंदर हमारी आयत भी आ जाए और हमारी आयत के साथ और इसी डब्बे के अंदर जो है ना आयत भी आ जाए और साथ तर्जमा भी आ जाए। हमने इस तरह का कुछ बनाना है ताकि हमें कोई ऐसा मसला पेश ना आए। अब ये सफ़ेद है, समझ आ गई है ना। अब इसका जो है ना हम कलर सफ़ेद नहीं ब्लैक रखेंगे। ब्लैक रखने के लिए इसका कलर जो है ना थोड़ा सा हमने ख़त्म करना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये आ गए यहाँ पे इस तरह हमने ये देखें, ये ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पे रखना है इसको। उसके बाद ये जो सेट में जो कलर आता है ना, हमने अब दोबारा वही देना है। ये ब्लैक इसको दे दिया और सेट वाला ये कलर। अब कलर सबसे पहले इस लेयर को हम खींचेंगे, उसके बाद हमने नीचे आना है। अब इसको हम सफ़ेद रख देते हैं, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से ये रख सकते हैं। उसके बाद क्लिक करना है, यहाँ पर आ गए हम लोग। उसके बाद जो है ना हमने यहाँ पे क्लिक करना है,
उसके बाद हमने PNG में इसको सेलेक्ट करना है। इस तरह समझ आ चुकी है ना। अब इसको हम सेव करेंगे। सेव के लिए ऊपर हम क्लिक करेंगे, फिर सेव यहाँ पे इमेज, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसके बाद इसको हम सेव कर लेंगे। ठीक है, ये सेव होने के बाद हमने फिर दोबारा बैक जाना है। उसके बाद मैं अपना डेटा खोल लेता हूँ। डेटा खोलने के बाद जो है ना, अब हमने कहाँ जाना है, अब हम जाना है InShot एप्लीकेशन के अंदर। हमने सबसे पहले InShot एप्लीकेशन को ओपन किया। ओपन करने के बाद जो है ना, अब मैं कोई प्लेस गूगल से जाके ना, मैं कोई वीडियो या कोई पिक इस्लामिक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोगों का यही सवाल आता है कि भाई हमें डाउनलोड करना नहीं आता, बहुत सारी वेबसाइट आ जाती हैं। चलो मैं आज करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर आना है। तो यहाँ पर आने के बाद जो है ना, तो ऊपर आपने सर्च बार के ऊपर आना है। मैं ये कुछ चीज़ें हैं मेरी, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ कि इनको कैसे करना है। यहाँ पर हम आ चुके हैं, क्योंकि डेटा खोला है ना, तो इस वजह से जो है ना मैसेज वगैरह आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने लिखना है इस्लामिक बैकग्राउंड। जैसे आप इस्लामिक बैकग्राउंड लिखेंगे ना, आपके सामने ही कुछ ऐसी आ जाएंगी, समझिए ना, वेबसाइट। तो मैं वेबसाइट के ऊपर आता हूँ। आप कोई भी वेबसाइट आप कर लें तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा मसला नहीं है। समझ आ चुके हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर जैसे भी आएंगे ना, ये हमारे पास आ गई है वीडियो। हमने यहाँ पर वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। तो मेरे ख्याल में नेट स्लो है हमारा। हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद मैं थोड़ा सा मसला है, थोड़ा नेट भी मेरे ख्याल में स्लो है हमारा। हम वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं, समझिए ना। जैसे हम यहाँ पर वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ वीडियो यहाँ पर आ जाएंगे, समझिए ना। उसके बाद हमने ये तो देखते हैं ये वीडियो, तो हमने ये वाली वीडियो नहीं लेनी, हमने वो वीडियो लेनी है ताकि हमारी आयतें भी आपको नज़र आए। तो हमने ये वाली आया, ये मैं सिलेक्ट कर ली। उसके बाद इसको क्या करना है, हमने डाउनलोड, फ्री डाउनलोड यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे, ये आपके पास डाउनलोड हो चुकी है मेरे पास, समझिए ना। ये जैसे डाउनलोड होगी, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं Quran.com, समझिए ना इसके ऊपर, क्योंकि मेरे पास ये क्योंकि होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था, ये तीन लाइन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, जो आपकी सूरत है आपने वही सिलेक्ट करनी है, क्योंकि मैं, मेरी सूरत जिलजाल है, मैं वही सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को समझ आती रहेगी। तो हम सूरत जिलजाल यहाँ से सिलेक्ट कर ली, समझिए। जैसे हम यहाँ से सूरह ज़िलज़ाल ओपन करेंगे, उसके बाद ये सेटिंग वाला जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद जो है ना बैक जाएंगे, ये पेज नंबर देखेंगे 599 है हमारा। उसके बाद हम दोबारा ट्रांसलेट यहाँ पर जाएंगे। उसके बाद ये आयात कॉपी करनी है हमने, ठीक है। ये आयात कॉपी करके सूरह ज़िलज़ाल इसको भी समझिए ना, और उसके बाद जो है ना इसका तर्जमा हम कॉपी कर लेंगे। बस यहाँ तक कॉपी कर लिया। उसके बाद हमने आना है InShot एप्लीकेशन में। यहाँ पर हमने वीडियो के ऊपर सेलेक्ट करना है, न्यू के ऊपर क्लिक करना है। जो हमारी वीडियो हमने डाउनलोड की थी, हमने सबसे पहले उन्हें यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर वीडियो सेलेक्ट करने के बाद जो है ना, हम थोड़ा सा क्या करेंगे, पीछे बैक आते हैं। अब हम, मेरा ख्याल में आज मेरा कुछ हाथ जो है ना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके बाद इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा करेंगे। यहाँ पे खींचेंगे तो ये वीडियो लंबी नहीं होगी। ये आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ से स्पीड यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आप इसको इस तरह कर लेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सेट हो जाएगी। फिर करते हैं यहाँ से। उसके बाद मैं अपनी फिर इसको 20 के ऊपर रख देता हूँ, फिर भी ये छोटी है। बहरहाल ठीक है, मैं उसके बाद आ जाता हूँ म्यूज़िक के ऊपर। म्यूज़िक के बाद जो है ना, हम फिर म्यूज़िक, फिर माई म्यूज़िक के अंदर जो आपकी आए वो ऑडियो थी ना, आपने उसे सेलेक्ट करना है। तो मैं चलता हूँ, मैं सुन लेता हूँ यहाँ से।
क्योंकि मेरे ख्याल में मेरी वो ऑडियो जो थी ना मैंने वो सेव नहीं की, क्योंकि मेरी जो ऑडियो जो है ना वो मैं यहाँ से आता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए और भी एक चीज़ सीखने की है यहाँ पे, तो वो भी मैं आपको बताता चलूँ। मैं जिस ऑडियो के लिए जो मैं जहाँ से रिकॉर्ड करता हूँ तो वो मेरे पास यही ऐप है, समझिए ना। उसके बाद ओपन एंड ऑडियो, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये ऐड आता है, इसको ऐड को ख़त्म करते हैं यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ से देख लेते हैं वो ऑडियो सूरज जलजाल की, ठीक है ना। उसके बाद आपने नीचे आना है, नीचे आने के बाद क्योंकि मैं इसके ऊपर जो है ना सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि यही होती है, ठीक है। इसको हमने सेव करना है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसको, तो यहाँ पे मैं कोई भी क्यों लिख देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो हमारी, मुख्तसर वक्त के अंदर मैं आपको समझा सकूँ और वीडियो भी लंबी ना हो और आपको भी सीखने का कुछ परेशानी ना हो सीखने में, ठीक है जी। हमने दोबारा इसके रिमूव कर लेंगे, रिमूव करने के बाद हम ये हमारे पास आ चुकी है, समझिए ना। उसके बाद हम जाते हैं, ये जो हमारी खाली ऑडियो थी ना यहाँ से हम उसे रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर आ गए। उसके बाद फिर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद जो है ना, अब कुछ भाई मुझे कह रहे थे इन शॉर्ट एप्लीकेशन के अंदर जो वो रोशनी जो ज़्यादा होती है ना वीडियो में या कोई पिक तस्वीर में, वो हम कैसे ये करें। आपने सबसे पहले इसी के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद फिर दरमियान में आ जाना है, फिर यहाँ पर आना है, ये पहली लाइन जो है ना इसको आपने यहाँ पे 50 के ऊपर इस तरफ खींचना है बाईं तरफ। उसके बाद आपने ये देखें, मैं आपको फिर दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ से ज़्यादा होगी और यहाँ से कम होगी, ठीक है। अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमने जो यहाँ पे आना है और जो हमने वो डब्बा बनाया था वो हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से लेने के बाद जो है ना हमने फिर क्या करना है, इसको पूरा पूरा इस तरह कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसको रख देते हैं, अब इस लेयर को हमने यहाँ से पूरा खींच लेंगे, ठीक है। यहाँ पर रखने के बाद फिर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद इसको भी यहाँ पे एक चीज़ और सीखने की है, फिर वहाँ पे आए, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जो है ना हम फिर दोबारा यहाँ पे आते हैं, ये ऊपर ऊपर वाले जो है ना यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं एक चीज़ है वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ से हमने फिर इसको लेना है, इसको लेने के बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कट के ऊपर आएंगे, तो हम इस कट यहाँ पे यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर आने के बाद फिर जो है ना हम इसको इस तरह खींच लेंगे इसके बराबर, इस लाइन के बराबर हम इसको क्या करेंगे खींच लेंगे इसी तरह, यहाँ पर रख देंगे बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी आवाज़ भी हम जो है ना रिमूव कर लेते हैं, ये इस तरह रिमूव हो गई। उसके बाद जो है ना हमने फिर यहाँ से यहाँ पर आएंगे, वो जो हमने आयतें कॉपी की थी ना वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मेरी ये आयत थी। उसके बाद हम दोबारा आते हैं फ़ॉन्ट में, यहाँ पर आएंगे फ़ॉन्ट, उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये पहला फ़ॉन्ट है ये आप देख लें ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास पहले से मौजूद थे, जो आप फ़ॉन्ट डाउनलोड करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। उसमें पिछली वीडियो देख लें, वो भी मैं आपको दे दूँगा पिछली वीडियो, जिन भाइयों को समझ नहीं आ रही वो पिछली वीडियो भी मेरी देख लें, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। यहाँ पे ये आयत लगाने के बाद अब इसको देखते हैं और उसके बाद इसकी कॉपी एक कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पर एक कॉपी। ये कुछ बच्चों का शोर आ रहा है, मैं क्योंकि घर आया हूँ तो पहले मदरसे में होता था तो इतना शोर नहीं होता था, अभी क्योंकि मैं घर हूँ तो बच्चे थोड़ा सा शरारती करते हैं, तो मेरे ख्याल में कुछ चोट वगैरह मेरे ख्याल में लग चुकी है बच्चों को, तो वहीं से जो है ना बच्चे रो रहे हैं। तो अल्लाह ताला सेहत और आफियत वाली ज़िंदगी दे सबको और सही सलामत वाली ज़िंदगी दे। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, इसको हम फिर यहाँ पे रख देंगे। अब इसे हम रिमूव करेंगे, इस आयत को यहाँ पर हम तर्जमा लेंगे, ठीक है, यहाँ से ये वाला तर्जमा लेंगे, ये कुछ इस तरह के आपके सामने आएगी। उसके बाद हम जाएँगे यहाँ पर,
तो इंग्लिश जो है ना वो आप अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपने किस तरह इसको रखना है। ठीक है, ये आपके ऊपर है। मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पर रख दूँगा, उसके बाद अब इसको छोटा करते हैं। आप तवज्जो कर लें इसमें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाएगी। ठीक है, अब आपने ये जो ऊपर मेरी आयात हैं इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, अब इसको तो इसका कलर भी आप तब्दील करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर कलर के ऊपर आएंगे, ये मुख्तलिफ़ कलर हैं ये आपके सामने। ठीक है, ये मुख्तलिफ़ कलर हैं, समझिए ना। मैं तो कहता हूँ तो आज का जो कलर है ना वो यही सिलेक्ट कर लेते हैं आयात के ऊपर। ठीक है, ये आयात के ऊपर ये कलर आ चुका है, इसको यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, आप इस आयात को चलाते हैं ऑडियो को, फिर देखते हैं कहाँ तक ये जाती है। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, कट कर लेंगे इसको। अब इस आयात को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, समझ आ चुकी है ना। तो इसे भी हम रिमूव करेंगे, एक और आयात कॉपी करेंगे, समझ आ चुकी है ना। यहाँ से हम कॉपी यहाँ पे आएंगे Quran.com के अंदर, तो वाखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, समझिए। उसके बाद इसका तर्जमा भी हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये दो हो गए कॉपी। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, फिर हमने यहाँ से वही आयात लेनी है, ये वाखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, उसके बाद ये तर्जमा ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद इसको भी हमने थोड़ा सा इस तरह कर लेंगे, क्योंकि आपके पास वो जो फ़ॉन्ट आपने एक मरतबा लगाना है फिर जो है ना लगे रहेंगे। ठीक है, तो हम इसको भी चला के देखते हैं। इसके में इफ़ेक्ट आप लगाना चाहते हैं वो तो वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आएंगे, उसके बाद इस ये मुख्तलिफ हैं, ये देखें ये मुख्तलिफ हैं, तो आप लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। इसमें ख़ूबसूरत जो है ना तिलावत नज़र आती है। ठीक है, तो हम इसको चला के आप दिखाते हैं आपको। बस यहाँ तक हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से। ठीक है, अब इसको भी यहाँ से कट करने, ये सिर्फ मैंने दो आयतें इसलिए मैंने बनाई है ताकि आपको समझाने के लिए, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो आप इसी तरह बना सकते हैं, उसके बाद जो है ना इसको यहाँ से कट करके रिमूव कर सकते हैं। और मेरी ऑडियो भी है, इसको भी मैं यहाँ से कट करके रिमूव कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे सूरत जो है ना वो हम कहाँ से कॉपी करें। मेरे ख़्याल में जो हमारी सूरत है वो हम कहाँ से कॉपी करें वो भी मैं आपको बता देता हूँ। PNG में सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर आना है। इसको हमने यहाँ से ये कुरान क्लिप जो है ना हेल्प, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। उसको मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी ये बताया कि शायद आप दोस्तों को समझ ना आए तो फिर मुझे बता देना, इसके लिए मैं कोई अलग ही वीडियो बना के आपको दे दूँगा ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो। उसके बाद ये पिक सूरत, हम यहाँ से सूरत पिक करेंगे, सूरत ज़िलज़ाल 99 है मेरे ख़्याल में सूरत नंबर। हाँ, ये सूरत यहाँ पे आने के बाद ये हमारे पास सूरत है। इसके बाद हमने इसके ऊपर क्लिक करना है, कॉपी के ऊपर नहीं करना। ये जहाँ पे मैंने टिक किया यहाँ पर ये मेरी डाउनलोड हो चुकी है मेरे ख्याल में। अभी हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आने के बाद ये हमारी सूरत यहाँ पर आ गई। इस लेयर को हमने पूरा खींचना है, पूरा खींचने के बाद हम इसको ऊपर लगाना है तो ऊपर लगा लें, जिस तरह आप इसको मुनासिब समझें आपकी नज़र में। इसका भी हमने कलर तब्दील करना है तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि इन शॉर्ट कुछ लोगों को इस चीज़ का पता है और कुछ लोगों को नहीं है, तो मैं वो आपको समझा दूं। यहाँ पर आएंगे, ये डाउनलोड करने पड़ते हैं पहले, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं मुख्तलिफ, क्योंकि मुझे तो यही खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर रख के थोड़ा सा ऊपर कर देंगे इसको, या इस तरह हम रख देंगे। अब हम पूरी तिलावत आपको सुनाते हैं किस तरह मैंने बनाई है। फिर भी इसी के अंदर कोई ऐसा मसला हो मुझे ज़रूर बताइएगा, जो चीज़ आपको समझ ना आई हो, क्योंकि थोड़ा सा मसला यही था बच्चों वाला,
कुछ और था, तो क्योंकि घर आया हूँ, मैंने पहले भी कुछ साथियों को कहा है कि मेरी वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि बच्चों की वजह से, घर के अंदर बच्चे हैं छोटे छोटे, क्योंकि वो शोर करते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को समझ नहीं आएगी हमारी वीडियो, तो इसलिए मैं नहीं बना रहा था क्योंकि दोस्तों की डिमांड थी कि भी ये सिखा दें। मैंने कहा क्यों नहीं कि इतनी लेट कर दूँ तो फिर कि ये ना हो के अच्छा ना समझे हमें, तो आप लोगों के लिए क्योंकि हमने ये आसानी पैदा कर दी है कि कम अज़ कम आप लोगों को बहुत जल्दी आप लोगों को वीडियो दे दें। चलो इस वीडियो को हम चला के आपको दिखाते हैं। तो आप इसी तरह बना सकते हैं, उसके बाद आपका नाम कोई है तो वो आप दे सकते हैं, जिस तरह मेरा नाम है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो इसकी भी मैं एक वीडियो बना के आप दोस्तों को बता दूंगा कि ये किस तरह नाम जो है ना लगाते हैं और बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने नाम सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको हमने पूरा यहाँ पे खींचने के बाद इसको इस तरह कर लेंगे। ठीक है, अब इसका कलर, क्योंकि ये मेरा नाम ब्लैक है, आप सफ़ेद भी हो तो आप वो नज़र आ जाएगा आप दोस्तों, ये मैं कलर भी यहाँ से तब्दील कर लूँगा ताकि आप दोस्तों को कोई ऐसी परेशानी ना हो, ये थोड़ा सा नज़र आएगा, तो हम इसको क्या करें यहाँ से लेके, नहीं मेरे ख़्याल में ये आपको नज़र नहीं आएगा, चलो और देख लेते हैं यहाँ से, तो ये मुख्तलिफ हैं। बहरहाल मैं इस वीडियो के अंदर बस आपको समझाना था, बस ये नहीं लगाना, और ठीक है खूबसूरती जो है ना वीडियो की वो चली जा रही है, तो इसी तरह आप बना सकते हैं। फिर भी आपको कोई ऐसा मसला दरपेश आया हो वीडियो के अंदर वो मुझे बता दें, फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फिर भी समझा दूंगा, तो व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया हुआ है, तो इंशाल्लाह आप रब्ता करके मुझसे कोई चीज़ मांगनी हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो इंशाल्लाह मुझसे पूछ लेना, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखें, जज़ाकअल्लाह।